दिलजीत दोसांझ इन दिनों भारत में दिल लुमिनाती टूर पर हैं। बीते दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था, जहां सिंगर को लाइव देखने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। वहीं दिलजीत का कॉन्सर्ट तो सुपरहिट रहा, लेकिन कॉन्सर्ट के बाद इस स्टेडियम का बुरा हाल हो गया है। जी हाँ, स्टेडियम के अंदर चारों तरफ गंदगी देखकर एथलीट बेहंत सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइजर पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमकर खड़ी खोटी भी सुनाई है। दरअसल हाल ही में बेअंत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में जो नज़ारा देखने को मिला है, उसे देखकर आपका भी दिमाग खराब हो सकता है। जी हाँ, स्टेडियम में शराब की बोतलें यूं ही फेंकी पड़ी हैं, रनिंग ट्रैक पर खाना पड़ा है, जगह जगह कचरा फैला हुआ है, यहाँ तक कि लोगों ने हडल्स, कुर्सियां और बाकी सामान तक तोड़ डाले हैं। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए बेअंत सिंह ने मैनेजमेंट पर सवाल उठाया है कि उन्होंने भीड़ को यूं खाना पीना बिखेरने कैसे दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एथलीटों को अगले 10 दिनों तक यहाँ ट्रेनिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो में उन्होंने कहा है कि ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की और स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की। यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर दारू पीकर लोग नाच गाना करते हैं। इस वजह से 10-10 दिन तक स्टेडियम बंद रहता है। बच्चों के जो सामान है, हडल्स, रेस जैसे कई इक्विपमेंट्स को तोड़ फोड़ करके फेंक दिया गया है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि 4 साल बाद जब ओलंपिक्स के समय इन्हें हमारी याद आती है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी मेडल क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसलिए हमारे देश में मेडल नहीं आते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो यहाँ मिलती नहीं है। वहीं किसी का अगर किस्मत से मेडल आ भी जाता है तो फिर उसके साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर उसका इस्तेमाल किया जाता है, सब फेम उसके नाम पर ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को सपोर्ट करने की बारी आती है तो इंडिया में वो सपोर्ट नहीं मिलता है। वो इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में ये भी लिखा है कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है वो खुद पैसे इकट्ठा करके अपने लिए सामान खरीदे हैं। वहीं बेहन सिंह का अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं मालूम हो कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 26 और 27 अक्टूबर को था, जिसमें हजारों लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे। दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI और सारेगामा के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसके मुताबिक ऑर्गेनाइजर्स ने स्टेडियम को 1 नवंबर तक के लिए किराए पर लिया है। 1 नवंबर के बाद ही स्टेडियम का सारा कचरा और गंदगी हटाई जाएगी। तब तक स्टेडियम में सफाई का काम नहीं चल रहा है। वहीं चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा, इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।